हेलो गाइस, दिस इज अवर नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। गाइस, इस वीडियो में जो ये टॉपिक है इसके बारे में बताया है, एंड इस टॉपिक में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत बताया है कि जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ये टिश्यूज जो है क्यों क्या ज़रूरत है ऑर्गन सिस्टम बनने की, एंड केयरफुल स्टडी अगर करें तो केयरफुल स्टडी करने के बाद पता चलता है कि एक डिस्कनेबल ट्रेंड है जो ऑर्गन सिस्टम बने हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मीन्स डिस्कनेबल ट्रेंड मीन्स एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, इवोल्यूशन हुआ है, जो एवोल्यूशन हुआ है यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर्स का, उसके बारे में बताया है, एंड कुछ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी के बारे में बताया है कि इसमें हमको क्या स्टडी करनी है, और आगे जो तीनों एनिमल्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे। सिर्फ इतना बताया है इस वीडियो में, तो देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यू हैं, जो अबव चारों टिश्यूज के बारे में आपने पढ़ा, एपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, तो ये जो चारों टाइप के टिश्यू हैं ये मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड देन ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ये किस में होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। ये जो अबव टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम बनने का टिश्यूज से, ये एसेंशियल होता है एक बेटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के लिए। हमारी बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के लिए ये बेटर होता है। एंड ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू। जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो एक या एक से ज्यादा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया है यहाँ पर, अवर हर्ट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल फोर टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे हर्ट में चारों टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ओके, नेक्स्ट है, वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुली स्टडी। ओके, यहाँ पर बताया कि अगर कुछ केयरफुल स्टडी करें तो हम क्या नोटिस करते हैं, देख लेते हैं क्या नोटिस कराया इन्होंने। That the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. क्या बताया carefully study करने पर, कि जो complexity है organism की, unicellular से जो multicellular organism बने हैं, complex organ बने हैं and organ system बने हैं, वे ये एक discernible trend करते हैं। discernible trend का मतलब एक evolution हुआ है। This discernible trend is called evolutionary trend. तो बता दिया है ये जो discernible trend है इसको क्या कहते हैं, evolutionary trend कहते हैं। Means evolution हुआ है unicellular से multicellular का, complex animal बने हैं simple से। Okay, you will study about it in detail in 12th chapter. ये 12th में आएगा आपके detail में। You are being introduced to morphology and anatomy. बता रहा है कि आप इंट्रोड्यूस होने वाले हैं एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से, कि ये क्या होते हैं, किसके, तीन ऑर्गेनिज्म की, तीन ऑर्गेनिज्म इसमें बताए हैं, फ्रॉग के बारे में एंड अर्थवर्म के बारे में और कॉकरोच के बारे में, तीन इसमें टॉपिक आएंगे। तो वो यही बोल रहा है कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी बताएंगे उनकी, लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। ये डिफरेंट इवोल्यूशन लेवल पर बताएंगे, जैसे कि सबसे पहले अर्थवर्म आएगा जो कि इनवर्टिब्रेट है, उसके बाद फ्रॉग एंड कॉकरोच आएंगे जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये बता रहा है इवोल्यूशनरी लेवल पर आपको तीन एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप उसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट इवोल्यूशनरी और लेवल टू शो ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि क्या फंक्शंस करते हैं। Morphology refers to study of form or externally visible features. बोला है morphology क्या होता है, morphology होता है study of external visible character, जो बाहर से ही characters हमको दिख रहे हैं उनकी study करना। जैसे हम human body में बात करें, human body में हम morphology की बात करें तो उसके hand, face, eyes, nose, माउथ, ये सब जो है मॉर्फोलॉजी की स्टडी में आएगा, क्योंकि ये बाहर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका स्टमक, हार्ट, ये सब बाहर से नहीं दिखाई देता, तो ये एनाटॉमी में आएगा। ओके, देख लेते हैं आगे क्या बताया इसमें। मॉर्फोलॉजी स्टडी मींस एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर। इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइज मींस ओनली दिस। बोल रहा है कि माइक्रोब्स और हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पर मॉर्फोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना ही है। And the term morphology precise means only this. In case of animals, this refers to the external appearance of the body. बोल रहा है कि animals के cases में ये सिर्फ external characters जो show होते हैं, जैसे मैंने अभी example के तौर पर बताया, eyes, nose, face, ears, ये सब, इन सब की study. Okay? The word anatomy. Next में बताया है anatomy क्या होती है। Anatomy होता है is used for the study of morphology. यहाँ पर morphology की study हो रही है, मतलब study of morphology of internal organs in animals. जो एनिमल्स में
मॉर्फोलॉजी है इंटरनल ऑर्गन्स की, उसके बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। साफ साफ बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में दैट स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग रिप्रेजेंटली रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो बता रहा है कि इस चैप्टर में आपको यही तीन एनिमल्स के बारे में बताएंगे जो कि पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, मतलब पहले वाला इनवर्टिब्रेट है अर्थवर्म एंड देन दोनों वर्टिब्रेट्स हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थवर्म को लेकर, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं।